जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करते हैं पाउलो की एक और किताब पे। पाउलो की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की, हमने पहले बात की अल्केमिस्ट पे और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बड़ी मजेदार बुक, टेक्स 11 मिनट्स। इसका तकरीबन 25 मुख्तलिफ जुबानों के अंदर इसका तर्जुमा हो चुका है और दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट नॉवल्स इन द मार्केट, अगर आप जाते हैं मार्केट से ख़रीदने के लिए। बट प्रेफरेबली एक चीज़ जो है इसका ख्याल रखना बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि आपकी एज जो है वो कम अज़ कम 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए इस नावल को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और उसके अलावा आपको फीमेल बॉडी पार्ट्स के बारे में बड़ा पता होना चाहिए यार, अगर आप इसके क्लाइमेक्स को मतलब अंडरस्टैंड करना चाहते हैं प्रॉपरली, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं दे आर नॉट एज सिंपल एज द लुक, बल्कि खैर लुक में भी वो सिंपल नहीं है, आपको बड़ा गौर करना पड़ता है उसके हवाले से, कई चीज़ें हमें गूगल भी करनी पड़ी इसको पढ़ते हुए। सो ट्राई टू गेट द एसेंस ऑफ दिस नॉवल बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द मार्केट। पाउलो इसके अंदर एक कहानी एक्सप्लेन करता है एक प्रोस्टिट्यूट की, जिसका नाम एक फर्जी नाम है मरिया। मरिया एक ऐसी लड़की है जिसका ताल्लुक ब्राज़ील के एक छोटे से गांव से है। मरिया क्या करती है कि वो सबसे पहले एक ऐसे मर्द के साथ इश्क में अपने आप को मुब्तला कर लेती है, अपने आप को इंडल्ज कर लेती है, जो कि उससे उम्र में भी थोड़ा बड़ा होता है और इसकी अपनी एज जो है वो 11 साल होती है, और ये उसके साथ ऐसा प्यार करती है कि जिस तरह एक अटूट मोहब्बत जो है वो उसका ये इजहार करती है उस मर्द के लिए, लेकिन वो इसे छोड़ कर चला जाता है। फिर इसी तरीके से एक और मर्द जिसके साथ ये प्यार करती है, वो भी इसकी किसी सहेली के साथ प्यार मोहब्बत की दास्तानें पीयां चढ़ा रहा होता है और इसके साथ बेवफाई हो जाती है, ये उससे भी काफ़ी जो है वो हर्ट होती है। अब ये अपने इलाके को यानी ब्राज़ील के उस इलाके को छोड़ के वहाँ से निकलती है और वहाँ से चली जाती है स्विट्ज़रलैंड। प्लान इसका ये होता है कि मैंने एक बड़ी औरत बनना है, अपने आप को मनवाना है और इस सारी शिट से मुझे बाहर निकलना है। इसका बाप एक दुकानदार होता है, माँ इसकी एक हाउसवाइफ होती है और अपने घर से ये चली जाती है। अब सबसे पहले तो ये जाके एक बार में काम करती है, एक नाइट क्लब के अंदर काम करती है और उस नाइट क्लब के अंदर नाचना गाना, लोगों को चीज़ें सर्व करना, इस तरह की इसकी रैंडम जॉब्स होती हैं। फिर एक रात इसकी लड़ाई हो जाती है इसके मैनेजर से और ये उसे छोड़कर वहाँ से आगे चली जाती है। जब ये वहाँ से आगे जाती है तो इसके जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो होता है, इसका एक दोस्त से मशवरा देता है कि यार तुम मॉडलिंग करो। तो फिर ये मॉडलिंग करने की कोशिश करती है, मुख्तलिफ अपने शूट्स कराने की कोशिश करती है, लोगों से मुलाकातें करने की कोशिश करती है, हर तरह से कोशिश करती है कि ये मॉडलिंग के अंदर सक्सेसफुल हो जाए, बट उसमें भी इसको वो सक्सेस नहीं मिल पाती जिसको ये एक्सपेक्ट कर रही होती है। सो अल्टीमेटली शिथिल्स वहाँ इसे एक अरब जो है वो तकरीबन 1000 फ्रैंक्स की ऑफ़र करता है कि ये मुझसे ले लो और मेरे साथ एक रात गुजार लो, और ये उसे एक्सेप्ट कर लेती है बिकॉज शी नीड्स मनी। और उसके बाद जब ये उसके साथ सेक्स कर लेती है तो फिर इसका एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है नया। वो इसे कहता है कि यार तुम ऐसा करो कि इस नए प्रोफेशन को प्रॉपरली अडॉप्ट कर लो, इसको सीखो अच्छे तरीके से और इसके अंदर अपने आप को मनवाओ। लिहाजा ये दलान से मुख्तलिफ स्टेप्स वगैरह सीखती है और करते कराते ये अपने टाइम की टॉप की प्रोस्टिट्यूट बन जाती है और इसको हर तीसरा बंदा इसलिए डिमांड करने की कोशिश करता है बिकॉज ये उनकी सोल्स को भी काम करती है, ना सिर्फ उनके जिस्मों को बल्कि उनकी रूह तक जो है वो उनको ठंडा करती है, उनको काम करती है, उनके साथ बात करती है, सिर्फ सेक्चुअली नहीं उसके अलावा भी, यानी कि कोशिश करती है कि उनसे बात करके जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है ये उसको बेहतर कर सके, और शी इज़ गुड एट इट। और आफ्टर अ व्हाइल मतलब हर बंदे की नज़र में ये होती है। अब असल इशू तब जनरेट होता है जब मरिया की मुलाकात एक आर्टिस्ट के साथ होती है, एक पेंटर होता है, बड़ा कमाल का आर्टिस्ट होता है जिसका नाम होता है राफ। राफ के साथ इसकी मुलाकात होती है और ये सारा मामला वकूफ पजीर हो रहा है स्वीडन के अंदर। अब राफ से जब इसकी मुलाकात होती है तो राफ ये करता है कि वो इसके साथ आकर कोई भी बात जो भी वो करे वो बड़ी महदूद सी होती है, उसकी बातों में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी एसेंस में ये इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो जाती है कि इसे लगता है कि शायद मुझे राफ से प्यार हो गया। लेकिन पहले जो इसने मतलब जो एक्सपीरियंसेस किए हुए होते हैं, जो सेक्चुअल एक्सपीरियंसेस, जो प्यार मोहब्बत के एक्सपीरियंसेस, जो इसके साथ यंग एज के अंदर ट्रेजिडी होती है, वो मर्द जिसने 11 साल की उम्र में इससे प्यार का नाटक किया और मर्दों के साथ इसे खुलकर नडर होकर बात करना सिखाया, वो मर्द भी इसे धोखा देकर चला जाता है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसे कंपेल करती हैं कि नहीं तुमने इस दाम में दोबारा गिरफ्तार नहीं होना, लेकिन इसके बावजूद ये अब राफ के साथ जो इसका प्यार है उसको ये आगे बढ़ने देती है, कहती है चलो ठीक है चीज़ें आगे चलती रहे। राफ की प्रेजेंस में बड़ी खुशी रहती है लेकिन इसका बाकी काम भी अपनी जगह जारी रहता है। अब ये हर बंदे के साथ अपना जिस्म तो शेयर करती है लेकिन अपनी रूह को, अपनी सोल को किसी के साथ शेयर नहीं करती। अब एक दिन इसको ये ख्याल आता है कि बस मेरा ख्याल है कि अब मैं राफ की सिर्फ यादें लेके यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मैं जितनी देर
یہاں پہ رہوں گی تو راف کے پاس زیادہ عرصہ رکنا میرے لیے شاید نقصان دہ ہو جائے, مجھے اس سے بینیفٹ تو کوئی ہو نہیں رہا, الٹا نقصان ہی میں اس سے کما رہی ہوں, تو بہتر یہ کہ میں اس کی یادیں اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلی جاؤں. لہٰذا یہ وہاں سے نکلنے کا پلان کرتی ہے, بٹ ایونچولی وہ پلان بھی سکسیڈ نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ایک سیکرٹ سیکس جو ہے نا اس کی بھی کوئی ایسنس ہونی چاہیے, کوئی سیکرٹ سیکس بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ ایک پاکیزہ سیکس ہو جس میں مجھے صرف جسم کی نہیں بلکہ روحانی راحت بھی ملے. لہٰذا یہ راف کے ساتھ جو ہے وہ اس کے انٹرنل سیکچوئل ڈیزائر کو پرووک کر کے اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہتی ہے. یہ جو اس بک کا ٹائٹل ہے 11 منٹس, یہ بیسیکلی وہ سیکچوئل ڈیوریشن ہے جو کہ اس کا راف کے ساتھ گزرتا ہے. اب اس 11 منٹ کے اندر یہ اتنی زیادہ انڈلج ہوتی ہے سیکچوئل مطلب معاملات کے اندر کہ ایک جگہ پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بالکل کلائمیکس پہ یہ خدا کو دیکھ لیتی ہے, اپنے خدا کو جو اس کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے, بلاسفیمی کا کوئی سین نہ ہوتا ہے. تو یہ گیم جب یہ دیکھتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, مطلب دیر آر ٹو ٹائپس آف سیکس, ایک وہ ہے جو سیکرڈ ہے اور ایک وہ ہے جو کہ عام پروسٹیٹیوشنل سیکس ہے جس کے اندر صرف آپ کا جسم انوالو ہے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی چیز انوالو نہیں ہے. تو یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ سینس اٹھائی جو کہ ایک انٹلیکچوئل سیکس کی سینس ہے یا پھر ایک ایسے ملان کی سینس ہے جس کے اندر آپ صرف اور صرف ایک دوسرے کی لسٹ کو سیٹسفائی نہیں کر رہے بلکہ آپ ایک دوسرے کی روح کے اندر گھس رہے ہیں. مکمل آرٹسٹک سین ہے اور اس کے اندر جو جو چیزیں اس سیکچوئل کلائمیکس کے 11 منٹس کے اندر ایکسپلین کرتا ہے پاولو, وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں تب آئیں گی جب آپ فیمیل کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں یا کم از کم آپ کی ریسرچ اتنی ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ کن کن استاروں کو کن کن میٹافورس کو یہاں پہ یوز کیا گیا. تو اوور آل اٹس اے بک ورتھ ریڈنگ, اور ایک کہانی ہے ایک لڑکی کی ایک چھوٹے قصبے سے ایک ٹاپ لیول پروسٹیٹیوٹ جو کہ روحانی لطف بھی حاصل کر لیتی ہے, اس تک کا سفر جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے اور چیزیں بڑی مزیدار ہیں اس کے اندر. سو اگر آپ یہ بک پڑھنا چاہتے ہیں تو اٹس اے مسٹ ریڈ, اور اگر آپ مطلب صرف سمری پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ نے سن لی. سو دیٹ واز آل فار ٹوڈے, اور یہ کتاب جو ہے اس کو پڑھنا اس لیے بھی بڑا ضروری ہے بیکاز یہ آپ کو بتاتی ہے کہ صرف اور صرف جو آپ کسی چیز کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں یا کسی چیز کا جو کنسیپٹ آپ کے مائنڈ میں ہے دیٹس ناٹ آل دیٹ میٹرس, دیر آر لاٹ آف ادر تھنگس جن کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جسم سے ہٹ کے بھی ہیں جو کہ دو جسموں کے درمیان میں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں اسکپ کر جاتے ہیں بیکاز یہاں پر جو سیکچوئل ڈیزائرز ہیں ہماری وہ صرف اور صرف ایک خاص قسم کے ہارمونل لیول سے اسٹارٹ ہوتی ہیں اور ہارمونل بیلنس پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں. بٹ اس سے آگے کی بھی ایک کہانی ہے, اس سے آگے کی بھی ایک گیم ہے, وہ اس ناول کے اندر ایکسپلین کی گئی ہے. سو اف یو وانٹ ٹو ریڈ اٹ جسٹ گو فار اٹ بیکاز اٹس اے ناول ورتھ ریڈنگ. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین آئی ول بی بیک ود اندر ناولز ریویو, اٹس ناٹ اے ریویو ایکچولی اٹس اے سمری سمپلی. تو ہم لوگ کسی اور ناول کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے, تب تک لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.